तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स, मेरे कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। यूपीटेट 2018 की कोर्ट अपडेट जो कि 18 दिसंबर को हुई है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि आज कोई भी फैसला नहीं लिया गया, कोई भी अंतिम निर्णय नहीं आया है और ये अंतिम निर्णय कल यानी कि 19 दिसंबर के लिए टाल दिया गया है। कल 10:30 बजे का टाइम दिया गया है कोर्ट के द्वारा, 10:30 बजे 19 दिसंबर को सुनवाई होगी और उम्मीद करते हैं कि कल यानी कि 19 दिसंबर को कोई अंतिम निर्णय आ जाए और वह सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में हो। आज थोड़ी बहुत बहस हुई, जो भी प्रश्न दो विकल्प जिन प्रश्नों के सही हैं उनसे संबंधित चर्चा हुई कि उन प्रश्नों को या तो हटा दिया जाए या सभी को एक अंक दे दिया जाए। तो ऐसे प्रश्नों को या तो हट सकता है, तो हटने पर सभी के जो मार्क्स हैं वो उनमें भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज उतनी ही रहेगी, और अगर दो अंक बढ़ा दिए जाते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं, जो पहले से मार्क्स हैं उनमें दो अंक बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन उन्होंने सही किया होगा तो उनको ऑलरेडी एक अंक मिला होगा, तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं भी होने वाला है। तो आज इसी से संबंधित चर्चा हुई। कल क्या चर्चा होती है, कल पर छोड़ दी गई है सुनवाई, कल क्या फैसला लेता है, और पीएनपी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि जो भी फैसला कोर्ट सुनाएगी यानी कि कोर्ट का जो आदेश होगा वही आदेश माना जाएगा, बाकी कोई भी बात अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं मानी जाएगी। तो अभी अंतिम निर्णय का वेट किया जा रहा है, 19 दिसंबर को कोर्ट क्या ऑर्डर देता है, कल भी क्या कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है, तो उसका वेट करना पड़ेगा क्योंकि सभी की उम्मीदें हैं, सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक दो नंबर से रह रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबर आ जाए। तो आई होप कि अच्छी खबर हो सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए, कि उनके मार्क्स पर कुछ अच्छा असर पड़े, अच्छा स्कोर करें जिससे कि वो सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएं। तो लास्ट डेट भी सहायक शिक्षक भर्ती की करीब आ रही है, 20 दिसंबर, उससे पहले ही फैसला आ जाए तो अच्छा है, और फैसला आते ही हो सकता है कि जो सहायक शिक्षक भर्ती के एप्लीकेशन की डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो एक या दो दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। तो फैसले का इंतज़ार करते रहेंगे, जो ऐसी ही कोई भी न्यूज़ आएगी यूपी टेट कोर्ट अपडेट से संबंधित आप तक पहुँचती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।